ठीक है, क्लास का नेम क्या है इसका? न्यू वर्क स्पेस बनाया था। ओहो सॉरी सॉरी, हम लोग एक्लिप्स पे कल वर्क किए थे ना। हाँ सर, ठीक है। सर इंटेलिजी आइडिया पे भी कर सकते हैं ना सर। हाँ कर सकते हो। ठीक, क्लास क्रिएट करते हैं। डेमो 3 4। कंडीशंस कौन सा कंडीशन देखना था आपको? हाँ, सक्सेस तो इफ फर्स्ट आपने कंडीशन अप्लाई किया, ठीक है, इसमें आपने दिया ट्रू, इफ कंडीशन ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट्स, इस लॉजिक के अलावा एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। एल्स इफ सिर्फ का सेकंड कंडीशन को होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट लॉजिक एग्जीक्यूट एल्स एल्स सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट को होता है, तो थर्ड स्टेटमेंट की लॉजिक थर्ड कंडीशन ट्रू होगा, तो इसकी लॉजिक एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एंड में आप एग्जीक्यूट करेंगे एल्स ब्लॉक इन इसकी लॉजिक, ठीक है। तो इसी तरह से आप जितना चाहे उतना आप कंडीशन ट्रू और फॉल्स के बेस पर बना सकते हैं। तो ट्रू और फॉल्स कैसे बनाएंगे? कि मान लो इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है, आई इक्वल टू 1, या बुलियन में ट्रू फॉल्स भी सेट कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर बुलियन दिया तो उसके बेस पे भी। तो फॉर एग्जांपल मैं भी 1 लेता हूँ, ठीक, आई आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू लास्ट में, ठीक है। अगर आई के इक्वल है तो आप एग्जीक्यूट करो, वन आई इक्वल टू 1 है तो आप क्या एग्जीक्यूट करो? आई, सिंपल, ठीक है। आई इक्वल हो तो हेलो, ये वाला इसके इक्वल है तो हाउ आर यू,
और नहीं तो क्या करो, सॉल्ट नाली को बाय। हाँ तो मैंने इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट किया, क्या आउटपुट आना चाहिए? फर्स्ट हाय हाय, टू इंटर किया। अब इंटर किया, फोर इंटर किया, बाय फोर या फिर कुछ भी 7 8 9 कुछ भी एंटर करो, आपको क्या होगा बाय। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं एल्स इफ। वो क्लियर? इसका सर हाई आएगा ना सर कंडीशन में? किसका पहले अपन ने वन, आपने स्टार्टिंग में डाला था वो वन डाला था वो आई स्कोर वन, अगर इनपुट वन यूजर प्रेस करता है वन तो मिस वन टू से मतलब नहीं है, ये कंडीशन ट्रू होने से मतलब जो भी अपने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई किया वो कंडीशन ट्रू होना चाहिए, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, बाकी का कोई कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, सिर्फ यही एग्जीक्यूट होगा ना वन ये टाइम। सर प्रिंट पर है। ओके हाँ बस एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी वो भी वन टाइम, क्योंकि ये लूप नहीं है, ये सिर्फ कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। लूप में क्या होता है कि कंडीशन जब तक सेटिस्फाई ना हो, जैसे कि आपने दे दिया यहाँ आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई की वैल्यू ये होना चाहिए ग्रेटर देन वन, क्या ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन टेन, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टेन। अब बताओ कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो गया इसमें? कौन सा एग्जीक्यूट होगा होना चाहिए लाइन? कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाय होगा, बाय ना, एल्स ब्लॉक चलेगा। यस सर, कौन बोला कोई नहीं होगा? ध्यान दे, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा ना इस कंडीशन में, बाय। अगर ये क्या है 10 से ग्रेटर है, इनसे ग्रेटर है, अब कौन सा एग्जीक्यूट होने का? अभी भी सर बाय बाय क्यों, 10 से ग्रेटर है ना, कंडीशन ट्रू हो रही ना ये वाली? हाँ सर आई 11 है। हाँ सर हाँ हाँ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कंडीशन क्या है, अब 10 से नीचे, अब 11 से मिस 10 से अबव जितनी भी वैल्यू है वो सारे के सारे एंटर कर दो, कंडीशन ट्रू हो गया यहाँ ना। लेकिन यहाँ पास क्या है, एक ही बार कंडीशन देखा चेक किया जाएगा और डिस्प्ले किया जाएगा, दोबारा कंडीशन चेक नहीं किया जाता है इफ एल्स कंडीशन में जो भी हम लगाते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट जब हम लूप चलाएंगे, लूप में क्या होता है वो तब तक वो कंडीशन चेक करता है जब तक उसको कंडीशन फॉल्स नहीं मिल जाती, ठीक है। मींस वो हर बार एक एक इंक्रीमेंट होता है फिर जाके चेक करता है लूप, फिर से एक इंक्रीमेंट होता है फिर से लूप चेक करता है, वो मैं अभी आज बता रहा हूँ कैसे चेक करता है, पूरा एक एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ तो बताओ, क्लियर है सर? और किसी को डाउट? शिवम से ही पूछ लो सर थोड़ा, शिवम तो मास्टर आदमी है, उसको तो एक्सपर्ट है। नहीं सर एक्सपर्ट नहीं। चलो ये अब मैंने कुछ दिया था टास्क कंप्लीट करने के लिए, किया क्या आप लोगों ने? यह आज क्लास ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगी जितना है बैटरी मेरे पास चले, क्योंकि कल रात से हमारे यहाँ पावर नहीं है, अभी आ जाए तो 45-44%। चलो इसको आप लोग लगा लें, नेस्टेड आपको इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और चलते हैं स्विच केस, स्विच केस देखते हैं, तो इसके बाद ब्रेक देखते हैं, ठीक है।
क्लास, क्लास क्या है नाम, डेमो फाइल। और हाँ एक चीज और बता रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट वीक है, उसको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग पहले आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लिया करो, फिर अगर कोई चीजें नहीं समझ में आती हो तो मुझसे पूछना, ठीक है? क्योंकि स्मॉल स्मॉल टॉपिक आप मुझसे पूछोगे, मेरे पास टाइम थोड़ा सा जुकली नहीं रहता है, टाइम थोड़े स्मॉल स्मॉल डाउट्स के लिए। आप लोग अपना ग्रुप बनाओ, आप लोग अपना डिस्कस करो, ठीक है? इसमें कई प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो। यस सर। यस, स्विच केस। स्विच केस में जैसे मान लो अभी एक इंट आई इक्वल टू वन, ये एक स्विच बनाया, स्विच स्विच सिंटेक्स क्या है स्विच का, स्विच ये आईडी है ना, ऑटो सजेस्ट करता है पहले यहाँ पर स्विच लगाना, देन की, फिर केस वैल्यूज की, कर्ली ब्रेस और यील्ड टाइप, डिफॉल्ट थ्रो एंड न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, जो भी थ्रो अभी मैंने एक्सेप्शन नहीं बताया तो इसके स्किप, इसको ये सारी चीजें भी स्किप कर दो। बेसिक बेसिक देखो, जब हमारे पास एक्सेप्शन चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? इसमें देखो ये शायद ये केस एक्सप्रेशन है, ये है केस स्विच केस स्टेटमेंट्स ब्रेक वैल्यूज, ठीक, ये लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है? ये लैम्डा लैम्डा एक्सप्रेशन भी आगे चल के समझ में आ जाएगा, जब जावा एट चलेगा, स्टार्ट होगा ना आपका, तो उसमें फंक्शनल इंटरफेस क्या है, जावा एट फीचर में ये लैम्डा एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वहां आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कैसे स्टेटमेंट चलाते हैं। तो अभी बेसिक हम देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट, नोट डाउन करते हैं, एक एक चीज लिखते हैं स्टार्टिंग से ना, फर्स्ट टाइम है क्लियर नहीं होगा। पहले आप क्या लिखो, स्विच पैरेंथेसिस और इसकी लॉजिक क्या है, वैल्यू क्या है, आई आई में क्या होना चाहिए, वो डेटा, डेटा क्या है, वन, वन वैल्यू मैच करना चाहिए किसी भी केस के साथ। जैसे केस हमारे पास है, कितने केस हैं, फोर या फाइव केसेस हैं, फोर फाइव केस में कोई भी केस अगर सेटिस्फाई होता है उस वैल्यू से तो उसके उस केस की लॉजिक को एग्जीक्यूट कर दो, बस इतना सा सिंपल और कुछ नहीं। बाकी अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो एक डिफॉल्ट केस होता है, उस डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करो बस। जैसे जैसे ये है इफ एल्स इफ कंडीशन है ना, सेम इसी तरह से देखो, इसमें कोई भी केस जो है आपका, कोई भी कंडीशन मैच करना चाहिए, अगर मैच करता है तो लॉजिक एग्जीक्यूट करो, नहीं तो लास्ट में क्या है यहाँ पास, एल्स ब्लॉक है, उसी तरह से स्विच केस में डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो क्या है, केस वन क्या है, केस वन कॉलन, कॉलन दिया जाता है इसके लॉजिक के लिए, अब इसकी लॉजिक एग्जीक्यूट करो, ये क्या है ब्लॉक, ये ऊपर वाला स्विच ब्लॉक है, ये इनर ब्लॉक है, तो ब्लॉक में जो भी आप लिखेंगे वो स्टेटमेंट, जैसे हमने लिख दिया अभी फिलहाल के लिए एस आउट क्या है, केस वन, केस वन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है? केस वन, केस अगर टू एंटर करता है यूजर कॉलन एस आउट केस टू, केस थ्री मैच होता है तो केस थ्री एस आउट,
अदरवाइज क्या हो, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो, डिफॉल्ट एस आउट, नो मैच फाउंड। हाँ, इस कंडीशन में क्या लॉजिक, क्या आउटपुट आएगा? इंट वन एंटर किया तो क्या लॉजिक आया हमारे पास, आउटपुट क्या आया? कोई प्रॉब्लम? केस बनाएगा सर आउटपुट? नहीं, केस वन नहीं, सारे सारे आएंगे, क्यों? क्योंकि केस वन से सेटिस्फाई हो जा रहा, हाँ सर, बल्कि ब्रेक हाँ नहीं है, ब्रेक नहीं लगा हुआ, इसलिए ब्रेक ब्रेक नहीं लगा है, नहीं ठीक लगा है। है। तो जहां से ये केस सेटिस्फाई होगा वहां से वो डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया 3, इंटर इंटर किया, वैल्यू कितना 3, तो 3 जो है ये केस से सेटिस्फाई हो रहा है, ये केस मैच भी कर रहा है ना, 3 और 3, सही है ना, 3 और ये 3 केस से मैच कर रहा है, यस। तो अब यहाँ से कंटिन्यू होगा, क्या आउटपुट आना चाहिए? फर्स्ट केस मैच किया, रॉन्ग, सेकेंड मैच रॉन्ग, थर्ड केस मैच, यस एक्सेप्टेड, हुआ। तो केस 3 और केस 4 एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैंने 4 एंटर किया, अब बताओ, तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट नो मैच फाउंड, ठीक है। तो ये सिंपल अप्रोच है। अब आप इसमें लॉजिक के अकॉर्डिंग इसमें सेट करेंगे कि आप कहां से क्या मीन्स, आपको करना क्या है, ठीक है। आप चाहते हैं कि केस वन अगर ट्रू होता है तो केस 2 एग्जीक्यूट करो, केस वन अगर ट्रू होता है तो केस 2 भी एग्जीक्यूट करो, या फिर ऐसा आप बोलना चाहते हैं कि नहीं, केस 2 एग्जीक्यूट होता है, अगर केस 1 एग्जीक्यूट होता है तो वहां से आप क्या करो, ब्रेक करो, तो आप ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक, केस 1 एग्जीक्यूट होता है, इसको डिपेंडेंट लॉजिक बनाती है कि नहीं। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, अगर केस 2 ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट करो केस 3, देन इसके बाद ब्रेक करो, तो आपने कहां ब्रेक लगाया, ब्रेक। ठीक है, अब आई की वैल्यू अभी कितनी है, 4, तो डिफॉल्ट चलेगा। मैं चाहता हूं कि केस 1 एग्जीक्यूट करना, ठीक है, केस 1 एग्जीक्यूट हो तो आउटपुट क्या आएगा, केस 1, ठीक है। केस 2 अगर एग्जीक्यूट हो तो क्या आउटपुट होना चाहिए, केस 2 प्लस केस 3, दोनों चलेगा, क्योंकि केस 2 में मैंने ब्रेक नहीं लगाया है, यहाँ पास केस 3 लगाया है, ठीक है, केस 3 में ब्रेक होगा। तो ब्रेक समझ में आया, ब्रेक मतलब क्या है, ब्रेक जंप स्टेटमेंट में आता है ना। कंटिन्यू, अगर आप कंटिन्यू करते हैं यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास आपने क्या किया, कंटिन्यू, कंटिन्यू
कंटिन्यू कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड लूप, लूप के बाहर है यूज करो। अरे हाँ इसके अंदर इफ कंडीशन, यहाँ कोई स्टेटमेंट ठीक है, कोई स्टेटमेंट लेंगे अभी एस आउट चेक करते हैं। एस आउट इसके अंदर लूप, एक्चुअली लूप चलाते हैं 1 2 3, जैसे कि हम कोई नंबर डिस्प्ले करा रहे हैं ठीक है, फॉर लूप चला रहे हैं तो कंटिन्यूसली चलता है वो 1 2 3 4 5 6। अब 4 5 जब लूप चल रहा है 1 2 तो 3 अगर आ रहा है तो 3 से आपको चाहिए, अगर आपने कंडीशन क्या लगाया, अगर 3 आ रही है तो आप उसको डिस्प्ले मत करो, या फिर 3 जब भी आ रहा है कोई ऑड नंबर आ रहा है या कोई इवन नंबर ठीक है, जैसे मान लो ऑड नंबर आ रहा है तो उसमें प्लस 1 करो, और ऑड नंबर आ रहा है तो उसमें माइनस 1 करो ठीक है। इवन आ रहा है तो क्या करो, उसमें प्लस 1 करो, और ऑड आ रहा है तो उसमें माइनस 1 करो। अगर आपको ऐसे लॉजिक एग्जीक्यूट करना है तो उसमें क्या करना होता है कि जो भी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो वहां पर क्या करना है आपको, वो लॉजिक एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करो या फिर ब्रेक करो ठीक है, इस तरह से। तो अभी लॉजिक बता रहे हैं, यहाँ पर शायद कंटिन्यू इधर लूप में चलेगा ठीक है, कंटिन्यू लूप में चलता है लूप, आपको बता रहे तो बताएंगे ठीक है। यहाँ क्या है, क्या ब्रेक, ब्रेक क्लियर हुआ, आवाज नहीं आ रही है, स्विच स्विच केस समझ में आया? यस। हाँ तो अब अभी एक एग्जांपल आपको आप लोग अप्लाई करना, जैसे कि आप लोग स्कैनर से डेटा रीड करना ठीक है, वॉइल लूप कंप्लीट होने के बाद फिर से स्विच केस इफ एल्स कंडीशन से ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, इसके बारे में अभी एग्जांपल बताऊंगा ठीक है। तो जैसे कि आपके पास कितने डेबिट कार्ड कितने हैं तुम्हारे पास ठीक है, या कौन से गूगल गूगल पे है, पेमेंट मोड है गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। तो अगर आप कोई यूजर सेलेक्ट करता है पेटीएम तो पेटीएम की सर्विस एग्जीक्यूट करो, पेटीएम का आईडी पासवर्ड गेट करो उससे ठीक है। अगर कोई एंटर करता है गूगल तो गूगल का उसमें इसका सर्विस एक्टिवेट करो ठीक है, और फोन पे तो फोन पे की सर्विस एक्टिवेट करो, नहीं तो अदर में आप नेट बैंकिंग डाल दो ठीक है, लास्ट ऑप्शन। तो इस तरह से ये केस आप बनाना, और आप चूज कर सकते हो ठीक है, क्या नाम से स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज केसेस बना सकते हो, अगर कोई वीकली मंथ और मंथ वाइज ठीक है, ईयर वाइज मंथ वाइज, मंथ कोई एंटर करता है मंडे ट्यूजडे ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है ठीक है। इस तरह से आप स्विच केस में मल्टीपल आपको प्रैक्टिस करने के लिए है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कर लोगे ट्राई करो, मुझे दिखाना जितने लोग भी आप लोग बनाए। एक एक कौन सा मोड आपको बनाना है, ये पेमेंट मोड, गूगल पे, फोन पे और नेट बैंकिंग। दूसरा आपको बनाना है किसका, मंथ मंथ वाइज या वीक वाइज, वीक डेज जितने भी आते हैं मंडे ट्यूजडे उसके इसकी तरह से बनाना है। और थर्ड आपको बनाना है एटीएम का, एटीएम के लिए अगर वो पिन फर्स्ट वो एंटर करता है 1 1, उसमें आपको ऑप्शन डिस्प्ले कराना है यूजर को कि अगर आप चाहते हैं इफ यू वांट टू सेलेक्ट या इफ यू वांट टू प्रेस विड्रॉ ऑप्शन तो चूज 1 बटन ठीक है। इसी तरह से इफ यू वांट टू प्रेस या फिर ऐसे भी बोल सकते हो इफ यू वांट टू सेलेक्ट
कोई भी ऑप्शन दे देना यार उसमें, बना लेना ठीक है। एक अपने तरह से एक एग्जांपल सेट कर लो ठीक है, 3-4 एग्जांपल उसमें आपका आ जाएगा सारी चीजें ठीक है। तो 3-4 ऑप्शन आप बना लो ठीक है। हेलो। हाँ सर, हाँ 3-4 ऑप्शन आप मतलब एग्जांपल आपने सेट कर लेना, फिर बाकी आगे बता दो ठीक है। हाँ सर ट्राई करेंगे सर। हाँ ट्राई करो तब तक। चलो आगे मेन क्या है, अभी अधूरा है ना चीजें, क्योंकि अभी लूप लूप कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक लूप कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी। हाँ तो अभी लूप बता रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखो कौन कौन सा बचा था हमारा, रिटर्न, अभी लूप में जब लूप चलेगा तो उसमें बता देंगे कंटिन्यू और रिटर्न, वॉइड लूप, वॉइड लूप, क्लास डेमो 6। यहाँ बुलियन B1 इक्वल टू फॉल्स ठीक है, B1 इक्वल टू फॉल्स। तो लूप क्या है हमारा, वॉइल वॉइल इस कंडीशन देन लॉजिक। कंडीशन क्या है, B1 कंडीशन है ना, B1 में क्या है, अगर कंडीशन मिलता है फॉल्स तो एग्जीक्यूट करो लॉजिक क्या है ठीक है, क्या आउटपुट आना चाहिए। क्या होगा, हाई या बाय। बोलो। आवाज नहीं आ रही है क्या। आ रही है अरे सर। सर B1 ट्रू होगा तो सर हाई होगा सर। अभी क्या आएगा आउटपुट, बाय सर ट्रू तो नहीं है तो सर बाय। चाहिए। ट्रू नहीं है ना, यहाँ पास फॉल्स असाइन किया गया है ना बी वन में। हाँ तो इसका मतलब फॉल्स है, फॉल्स है तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी ठीक है। कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इस लूप के बाहर, तुरंत बाहर चला जाएगा इसका कंट्रोल। यस कंट्रोल बाहर जाएगा तो एक रीड करेगा ये स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट करने का तो बाय प्रिंट कर देगा, बस सिंपल है ना। हाँ सर। हाँ अगर इसमें असाइन किया गया ट्रू, अब क्या आना चाहिए, दोनों सर प्रिंट हाई। करेगा, हाँ हाई और बाय दोनों हाई का ठीक है। दोनों प्रिंट करेगा। अब हाई भी एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके बाद लूप टर्मिनेट होगा, लूप टर्मिनेट के बाहर तो लाइन नंबर क्या आएगा, 14 नहीं लाइन नंबर 12 भी एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि लूप के बाहर है ना, राइट। और कोई यस कंडीशन नहीं है इसके ऊपर, ये तो बाहर है, ये देखो नीचे बाहर ठीक है। ये प्रिंट कर रहा, कब तक प्रिंट करेगा, कब तक प्रिंट करेगा ये। तो इनफाइनाइट करेगा क्या, कंडीशन हाँ अब ये देखो चीजें क्या है, यहाँ कंटिन्यू इसको ट्रू मिल रहा है, जब लूप से बाहर आएगा तब वो लाइन नंबर 13 प्रिंट करेगा। क्या
ये लूप से कब बाहर आएगा बोलो, कल आ जाएगा बाहर। कल बाहर आ जाएगा लूप से, परसों, नेक्स्ट मंथ, चलती रहेगा, चलती रहेगा सर। कब बाहर आएगा, कब ये लाइन नंबर 13 प्रिंट होगा? कंडीशन सर फॉल्स नहीं होती जब तक कंडीशन। तो ये फॉल्स कभी हो गए ही नहीं, ये प्रोग्राम आपने ऐसा बना दिया कि कभी फॉल्स नहीं होगा। चलो ठीक है, लूप को टर्मिनेट करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा यहाँ पास कंडीशन अभी नहीं अप्लाई करना है, हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यूस चलते रहे, ठीक है, तब हमें अप्लाई करना। तो मान लो हमने बी में जो है इसको B1 की बजाय हमने कोई मान लो ले लिया, क्या B1 में असाइन कर दिया 1, ठीक है, ऐसा भी कितना 5 ले लो, सॉरी बुलियन है ना, इंट आई इक्वल टू 5। इंट आई इक्वल टू 5, आई में वैल्यू क्या स्टोर्ड है, आई में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 5। तो आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू जब तक लेस है 5 से तब आप डिस्प्ले करो क्या हाई। इसके बाद तो कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा, यहाँ बताओ कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा, आई की वैल्यू जब तक 5 नहीं हो जाती है ना। यहाँ पास आई की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 5 कितने, क्या प्रिंट होगा, डिस्प्ले क्या होगा, 1 टाइम या 2 टाइम्स, 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। लेकिन अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पास कंडीशन ट्रू होते जाएगी, कभी मल्टीपल टाइम कंडीशन ट्रू होगा यहाँ, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पास आई की वैल्यू करो 1, आई की वैल्यू 1 और कंडीशन क्या है, आई लेस देन 5 या आई लेस देन इक्वल टू 5 जो भी देना है दे दो। तो आई लेस देन 5, आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू, लेस देन 5 है, आई की वैल्यू 2, 3, 4, 5, जैसे ही 5 होगा तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, फॉल्स होगी, ठीक है। लेकिन यह आई की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट हो रही है, आई की वैल्यू हमेशा कितना मिल रहा है इसको, वन ही है ना, तो वॉइल जो हम लूप चला रहे हैं तो इसको हमेशा क्या मिल रहा है, 1। तो ये जब भी कंडीशन जा रहा है मैच करने के लिए तो आई की वैल्यू 1 ही मिल रही है, इस वजह से कंटिन्यू कंडीशन इसकी क्या हो रही है, ट्रू मिल रही है। ट्रू मिलने की वजह से ये क्या है, एग्जीक्यूट हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं। हाँ, हमें क्या करना है कि जब भी ये एक बार लूप एग्जीक्यूट करे तो जैसे ही लूप एग्जीक्यूट खत्म होने से पहले ही आई की वैल्यू बढ़ा दो, ताकि वो जाके वो चेक करे कि आई की वैल्यू कितनी है, 1 है या 2 है। अगर 2 होगी तो फिर वो सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा, फिर जब लॉजिक एग्जीक्यूट हो तो लास्ट में फिर से एक इंक्रीमेंट कर दो कि वो आई की वैल्यू क्या कर दे, लूप कंडीशन, लूप की जो कंडीशन उसको चेक करने से पहले ही आप एक इंक्रीमेंट कर दो, है ना। यही ना स्मार्ट काम है कि आई जो है इसमें हम क्या कर दे, प्लस प्लस कर दे, आई की वैल्यू 1 है, इसमें क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब ये जब लूप खत्म होगा यहाँ, जैसे ही हाई प्रिंट करेगा वो एक इंक्रीमेंट होगा। तो लेकिन ये एक इंक्रीमेंट जो है कब, ये इसके नेक्स्ट नेक्स्ट जाने के बाद, जैसे कि इसने क्या किया, लूप में आई की वैल्यू इंक्रीज कर दिया है, जब अब दोबारा आई चेक किया जाएगा तब 1 प्लस होगा ना, समझ में आ रहा ना।
आई की वैल्यू कब चेक किया जाएगा, जब दोबारा आई आएगा, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू होगी। फिर यहाँ आके चेक करेगा तो आई में क्या होगा, टू होगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही जाएगा यहाँ पास आई, तो ये क्या किया होगा, प्लस वन कर दिया होगा, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, थ्री हो जाएगी। इसी तरह से कंटिन्यूसली चेक किया जाएगा, तो इंक्रीमेंट करेंगे तब जाके आपका लूप जो है कंटिन्यूसली ट्रू के साथ फॉल्स होगा। क्या होगा, ट्रू कब तक होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही आई की वैल्यू 1 से 6 होती है तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स। आया समझ में, सॉरी 5 में है ना, 1 2 3 4, 4 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही आई लेस देन क्या होता है, 5, तो कंडीशन वहां से फॉल्स। ये लाइंस किसको किसको नहीं समझ में आई, और किसको समझ में आ गया, आगे समझ आगे सर, समझ में आ गई सर। में आ गया क्या किया। अभी देखो ये सब स्मॉल स्मॉल चीजें हैं, अभी डायग्राम में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। फिर नहीं समझ में आएगा तो आप बताओगे तो मैं डायग्राम से भी बता दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसी तरह से आपको कंडीशन अप्लाई करना, ट्राई करना। नेक्स्ट कौन सा लूप है, डू वॉइल है ना, डेमो 7। डू मीन्स एग्जीक्यूट करो, डू क्या, एस आउट ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करो कंडीशन। कंडीशन क्या है, ये सिंटेक्स वॉइल लगाएंगे, देन इसके अंदर कंडीशंस, कंडीशन क्या है जो भी अप्लाई करना है, कि आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 5, तो डिस्प्ले करो, सॉरी यहाँ लॉजिक नहीं लिखना है, सिर्फ कंडीशन चेक किया जाएगा, ठीक है। कंडीशन चेक करो, ये आई किधर है, आई आई नहीं है, तो हम यहाँ पास लिख देते हैं 5, 5 इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। यस कुछ भी दे सकते हो, या फिर यहाँ पास कंडीशन ट्रू भी दे दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन ट्रू क्या आउटपुट आना चाहिए बोलो, लूप में फंस गया ये भी। ये कब तक है, कंडीशन ट्रू, फर्स्ट डिस्प्ले किया, चेक किया, यस प्रिंट किया, देन आया वाइल लूप में कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो वापस चला गया एग्जीक्यूट किया, फिर वाइल लूप में चेक किया कंडीशन ट्रू, फिर चेक किया प्रिंट किया, इस तरह से वो कंटिन्यू चेक कर रहा है कंडीशन, उसको ट्रू ट्रू मिल रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, प्रिंट करते चला जा रहा है, दिख रहा है यार। हाँ यस हाँ, तो अगर मैं इसको कंडीशन फॉल्स करता हूँ, इसमें कंडीशन फॉल्स ठीक है, ट्रू की बजाय क्या लिए, कंडीशन फॉल्स, अब क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, सर, हाय सर, ओनली 1 टाइम, 1 टाइम डिस्प्ले होगा इसमें, ठीक है। एक बार तो प्रोग्राम आपका चलेगा ही चलेगा, फिर उसके बाद भला ही लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाना। पहले ये क्या है, डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, जैसे लूप चलेगी तो आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर लूप नहीं चलती है तो क्या होगा, 1 टाइम वो पूरी कंप्लीट लॉजिक एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद दोबारा नहीं होगा, ठीक है। ये होता है डू वाली। अब इसमें से वही है सेम अप्रोच, क्या है कि अगर आपको इंट आई इक्वल टू 1, और यहां मैंने क्या किया है,
यहां आई की वैल्यू प्रिंट करते जाओ, प्लस आई, आई की वैल्यू प्रिंट करो। यहां क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई लेस देन इक्वल टू 10 तो आउटपुट बताओ क्या होगा। चल इसका आउटपुट बताओ, कौन बताएगा क्या आउटपुट आना चाहिए, देखें किसका क्लियर हुआ है। वाइल लूप जिसका क्लियर हो गया होगा वो तुरंत बता देगा। बताओ बताओ, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूं। प्रोग्राम क्या था, इनफाइनाइट चलेगा। हाँ बटर हो बड़ी कौन करता है ये पीला वाला। हेलो। बोलो सर, लूप में चलता रहेगा ये? हाँ लूप में चलता ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा ना, तो लूप में फंस जाएगा। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा कंडीशन, ये देखेगा आई में मेमोरी में क्या है स्टोर्ड है, 1 है, ओके 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन चेक किया, कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन 2 फिर से चेक करेगा, ये कंडीशन 2 ही मिलता जाएगा क्योंकि 1 है, ठीक है। तो हम इसको इंक्रीमेंट कर दे, आई प्लस प्लस, अब बोलो आई प्लस प्लस, अब ये 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। आई की वैल्यू फर्स्ट क्या हुई थी 1, सेकेंड लूप चला, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद कंडीशन फॉल्स, ठीक है यार, क्लियर? यस सर, क्लियर सर। यस सर। अब चलते हैं, हाँ डू वॉइल लूप समझ में आया, फॉर लूप में आते हैं, ठीक है। फॉर लूप, फॉर लूप में क्या है, देखो आपको 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, क्या क्या इसमें है, फर्स्ट फॉर लूप ये है इसका सिंटैक्स, कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है, इसका कंडीशन 5 पहला है, कंडीशन में इसमें फर्स्ट जो है वो है इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, आपको इनिशियलाइज करना है, सेकंड कंडीशन अप्लाई करना है, थर्ड आपको अप्लाई करना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लूप को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पास आपकी क्या आएगी,
लॉजिक, जो भी लॉजिक लिखना है ठीक। तो फर्स्ट जो है ये है क्या चीज, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। इनिशियलाइज कहाँ से करना है, मीन्स कौन से वैल्यू से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो हमें स्टार्ट करना है वन से, ठीक है, तो फॉर लूप कंडीशन क्या होगी, वन से स्टार्ट करो, तो इंट आई इक्वल टू वन, ठीक है। एक ये क्या किया हमने, इनिशियलाइज किया, इसको सेपरेट करते हैं किससे, सेमी कॉलन से, सेपरेटर है, ठीक है। सेमी कॉलन से आप एक सेपरेट करेंगे, ये कहलाता है आपका इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज किया मींस स्टार्टिंग पॉइंट, लूप यहां से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन आपने प्रोवाइड किया क्या कि जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू अभी कितना है वन, तो आई लेस देन इक्वल टू टेन, आई लेस देन इक्वल टू टेन कंडीशन, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट देन कर्ली ब्रेस लॉजिक। इसमें जो मैंने यहाँ पर दिया है ये, और इससे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या गया लॉजिक वॉइड और डू वॉइड में, दोनों में सॉरी कॉपी कर रहा हूँ तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कॉपी। ये है आपका वॉइड लूप, डू व्हाइल लूप सेकंड तो जो सॉरी थर्ड कौन सा व्हाइल लूप, ठीक है। एक ये है आपका वॉइड लूप, दूसरा डू वॉइड, और तीसरा जो है आपका फॉर लूप, ठीक है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है बताओ, तीनों का काम सेम है या अलग अलग है, लिखने का सिंटेक्ट बस अलग है, बाकी सब काम वही कर रहे हैं। क्या करना है, डेटा डिस्प्ले कराने का, ठीक है। इसमें इनिशियल वैल्यू फर्स्ट जो है, देखो तीनों का जो पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट करा हूं जीरो को, फर्स्ट ये इनिशियल वैल्यू यहां से इसके लिए दिया गया, दूसरा ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस यहां से इनिशियलाइज किया गया, इसके लिए यहां से इनिशियलाइज किया गया, इसके लिए यहां से इनिशियलाइज किया गया, ठीक है। इनिशियलाइजेशन प्रोसेस सेम है, यस। कंडीशंस, कंडीशन हमने यहां पर दिए, ये कंडीशन यहां कहां दिया गया, यहां कंडीशन यहां दिया गया, इसमें कंडीशन कहां दिया गया, सॉरी कंडीशन, कंडीशन अप्लाई किया यहां, इसका यहां कंडीशन और इसके लिए कंडीशन, ये कंडीशन, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लूप में इंक्रीमेंट किया गया किधर, ये इंक्रीमेंट यहां किया गया फॉर लूप में, इसका इंक्रीमेंट लॉजिक एंड के होने के बाद, ये इसका इंक्रीमेंट यहाँ, ठीक, ये है इसका इंक्रीमेंट। कोई डाउट?
सभी का ना इंक्रीमेंट यहाँ हुआ, ये एरो इधर जा रहा था, काम कर लो इधर कर लो। हेलो यस सर, तो सब सेम ही है अरे ना? फॉर लूप अलग है क्या? सर अलग अलग है सर। अलग अलग है। लिखने का तरीका अलग है, बाकी काम सब सेम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ काम चल रहा हाँ, क्योंकि देखो इनिशियलाइज इसे भी करना है, बस ये इसका लिखने का तरीका क्या है, ये एक लाइन में सारी चीजें लॉजिक दे दी गई, एक ही लाइन में हम इसको कंप्लीट दे दिए। तो इसमें कितने लाइन है? वन इनिशियलाइजेशन, टू कंडीशन, थ्री इसके लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए, तो अलग अलग चीजें यहाँ पर दी गई है। तो फॉर लूप में क्या है, एक ही लाइन में दे दिया गया है सारी चीजें, क्योंकि इतने सारे आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। इसमें क्या है, वन टू थ्री, वॉइल अलग से लगाना पड़ रहा है, डू अलग से लगाओ। ठीक है, तो ज्यादातर यूज क्या होते हैं आपके, फॉर लूप ही अधिकतर यूज देखने को मिलेंगे, या फिर वॉइल लूप। वॉइल लूप और फॉर लूप ज्यादा मिलते हैं, डू वॉइल बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन पॉइंट। इससे पहले मैंने आप डिस्कस किया है कुछ क्लासेस में, जावास्क्रिप्ट में भी मैंने बताया है, जावा में भी बताया है फॉर लूप के बारे में। ठीक है, एक प्रोग्राम देखो। प्रोग्राम क्या है, डेमो, डेमोस 8। मी मेथड, लूप चलाओ। क्या लूप चलाना है, फॉर लूप इनिशियलाइज करो इंट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करो, स्टार्ट करना है 0 से। कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, 10 नंबर तक आपको डिस्प्ले कराओ, प्रिंट करो 10, प्रिंट करो। आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करो, एस आउट आई, क्या होगा आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, 0 से 10 तक, है ना, 0 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7, 10 तक प्रिंट हुआ 0। तो फर्स्ट इन ये आपको इसने क्या चेक किया, फर्स्ट क्या चेक किया, इनिशियलाइजेशन की स्टार्ट कहाँ से करना है। इसी तरह से यहाँ भी, यहाँ जो हो रहा था वॉइड लूप में, पहले आप इनिशियलाइज कर रहे थे ना, आई की वैल्यू कंडीशन चेक किया जा रहा था, आई की वैल्यू की स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, आई कंडीशन चेक करो, उसके बाद चेक किया जाता था कंडीशन, कंडीशन क्या है, ग्रेटर है लेस है या नहीं। लेकिन यहाँ पास क्या है, इसको अगर नहीं लिखते थे वो कंटिन्यूस चला जाता था, किसमें, इनफाइनाइट लूप में फंस जाता था। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू मिल रही तो। यहाँ क्या है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 1 करके। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अगर आप ऐसे दें, आप ऐसा दोगे तो फॉर लूप में ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, एरर की एरर देता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे एक और टोकन, यहाँ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको सेमी कॉलन से सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक, कंट्रोल सेव, तो इंक्रीमेंट और यहाँ पर एग्जीक्यूट, देखो लूप में फंस गया। हेलो, यस सर, लूप लूप में फंस गया, तो हमेशा इसको क्या मिल रहा है, 0, तो 0 मिल रहा है। कंडीशन चेक किया, आई की वैल्यू डिस्प्ले कर दो, तो आई में क्या स्टोर है, 0 है, तो 0 0 0 0 डिस्प्ले करता रहेगा कब तक। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पास क्या करते हैं कि आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो ये एक बार जाके फिर 0 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद जैसे ही 11 होगा तो कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप से क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा बस। इसलिए हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे।
तो क्या आएगा आउटपुट आपका, तो 0 to 10। इसी तरह से आपको प्रिंट करना है फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 10। इंट आई इक्वल टू 10 तो आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है इससे, ग्रेटर इक्वल टू 0। आई ग्रेटर इक्वल टू 0 तो डिस्प्ले करो एस आउट आई। चलो जिससे पूछेंगे वो बताएगा, बताओ इसकी इसका आउटपुट क्या आएगा। सुजीत आप बताओ। स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ देखो सुजीत बताओ। इसमें तो अब डिक्रीमेंट जा रहा है तो 0 तक जाएगा क्या? 0 तक जाएगा लेकिन मतलब कि आई माइनस माइनस करना पड़ेगा उसमें फिर तो। नहीं अभी अभी ऐसे क्या आएगा जो लॉजिक होता है, इंक्रीमेंट तो लगाया ही नहीं है ना सुनने अभी। तो क्या आउटपुट आएगा, एरर आएगा? हाँ तो एरर आएगा। क्या एरर आएगी? क्या एरर आएगी बताओ। सभी लोग सो रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले ने? सर ये लूप में फंस जाएगा सर। हाँ तो आपको ये बताना चाहिए ना, अभी थोड़ी देर पहले ही सो रहे थे लोग हैं सभी के सभी। अभी मैंने बताया ना कि प्लस प्लस हटा देंगे आई की वैल्यू तो क्या होगा, इंक्रीमेंट हटा देंगे तो लूप में चला जाएगा ना, क्योंकि कंडीशन हमेशा इसको ट्रू मिल रही है ना। जब ये एक लूप एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ आ रहा है देखो आई की वैल्यू चेक करने आया, चेक किया 10 है, तो आई ग्रेटर देन मींस आई की वैल्यू क्या है 10 है, 10 है ना, तो 10 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, यस कंडीशन ट्रू तो प्रिंट कर आई की वैल्यू, तो आई में क्या है 10 है तो वो 10 प्रिंट करेगा, फिर से वो लूप करेगा। तो जब भी जा रहा है तब क्या कर रहा है, वो 100 टाइम जाएगा या 1000 टाइम या मिलियन टाइम जाएगा, उसको हमेशा कंडीशन क्या मिल रही है, ट्रू मिल रही है, ट्रू मिल रही है ना, क्यों इसकी इसकी वैल्यू को हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है। जब तक आप इसकी वैल्यू के इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे तब तक कंडीशन क्या होगा, ट्रू ही रहेगा या फिर फॉल्स होगा, दो में से एक ही होगा। तो हमें क्या करना है, क्या टारगेट है हमारा, इंक्रीमेंट कराना है डिक्रीमेंट कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस लगेंगे और उसके अकॉर्डिंग इनिशियलाइजेशन रहेगा। कहाँ तक लूप चलाना है, 1 आइटम प्रिंट करना है, 10 आइटम प्रिंट करना है, 100 आइटम प्रिंट करना है, तो उसकी कितनी ही यहाँ पास लेंथ होनी चाहिए, वो पूरी लेंथ बताएंगे कि टोटल आइटम कितने डिस्प्ले करने हैं, है ना। हमारे पास 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो बताओ हमें कितने टाइम लूप चलाने पड़ेंगे, 100 टाइम, है ना। तो इस पहला स्टूडेंट का फर्स्ट प्रिंट करो, तो फर्स्ट अगर मान लो आई में रिकॉर्ड है फर्स्ट, तो आपको 100 रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना, तो आई क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो लेकिन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 100 तो इसको क्या करो, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी बार बार, है ना। आई की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट करोगे, यहाँ पास क्या होगा, आई इक्वल आई इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट, क्या नाम है, डिक्रीमेंट करेंगे सर, डिक्रीमेंट लगेगा सर, आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट होगा सर, माइनस माइनस तब तो 0 तक पहुंचेगा 10, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा माइनस 1, तो 9 8 7 6 5 3 2 1 0, चेक किया पास ये होगा, डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट 10 9 8 7 6 5 3 2 1 0। ठीक है, इसी तरह से कोई भी रिकॉर्ड आप डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये लूप क्लियर हुआ आपका, अभी लूप अभी पूरी प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे अभी एरे वगैरह पढ़ाएंगे, इसके अंदर एरे कलेक्शन अभी सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे, लॉजिक्स चलेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग है, स्ट्रिंग बफर,
स्ट्रिंग बिल्डर, तो उसमें सारी लॉजिक एग्जीक्यूट करना होगा, तो सारी चीजें बनाते कैसे वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक यस क्लियर हो सर, गया है तो बताओ ये सारे। यस सर, हाँ सर क्लियर है। हाँ, एक बार सब प्रैक्टिस करना खुद से, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ सकते हो। ठीक है, और कोशिश करो कि आप लोग एक ग्रुप बना के अपना डिस्कस करो। आप लोग एक कोई भी एक लोग ग्रुप बना लो, मुझे भी ऐड कर लेना उसमें। और जो भी आप लोग को अपने अपने बैच आईडी के अकॉर्डिंग अपना बैच आईडी का नेम रखना, और डाउट क्लियरिंग सेशन ऐसा रख लेना, और उसमें मुझे ऐड कर लेना बस ग्रुप में। और बाकी आप लोग जो भी डिस्कशन करना आप करते रहो। ठीक है, कि जिसको भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, वो स्क्रीन शेयर कर दे, स्क्रीन मतलब स्क्रीनशॉट दे दे इसका क्या आउटपुट होना चाहिए, या कोई भी क्वेश्चन आंसर है नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकता है। नहीं आएगा अगर कोई रिप्लाई नहीं करेगा तो मैं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बता दिया करूँ। ठीक है, चलो।